पैनामा लीक्स केस में आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना नहीं मांगा, सिर्फ हवाला दिया है। वजीर आजम के वकील की वजाहत। मरियम नवाज की जानिब से इजाफी दस्तावेजात में कहा गया है कि वो शादी के बाद से अपने वालिद के ज़ेरे कफालत नहीं। समाअत कल तक मुल्तवी। इमरान खान अदालतों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ पर बनाया जाने वाला केस जल्द खत्म होने वाला है। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कौमी असेंबली में तकरीर करके नवाज शरीफ फंस चुके हैं। बच्चे अरबपति कैसे बने, वजीर आजम को जवाब देना होगा। इस्तिस्ना मांगने का मतलब है कि वजीर आजम ने ऐवान में झूठ बोला। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने कराची में पावर प्लांट और औरंगजई ग्रिड स्टेशन की बहाली समेत अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। सेनेट ने बेनामी तरसीलात ममानियत बिल 2016 की इत्तफाक़ राय से मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी के लिए सूबाई असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। सिंध के सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने वाज़े किया है कि कराची ऑपरेशन खत्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ। रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी में ताखीर को गलत रंग ना दिया जाए। और गवर्नर पंजाब से लाहौर में नए डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल अजहर नवीद हयात की मुलाकात। मोहम्मद रफीक अजवाना का कहना है कि दुश्मन ये जान ले कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है।